कुत्रापि खेदः कायस्य जिह्वा कुत्रापि खेद्यते मनः कुत्रापि त्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थितः सुखम्। कभी शरीर से दुख है, कभी वाणी से दुख है, कभी मन से दुख है, इन सब का त्याग करके मैं पुरुषार्थ में स्थित हूँ सुखपूर्वक। त्याग कभी पहले नहीं आएगा, त्याग तुम करोगे कैसे? तुमने जो कुछ भी आधा तीहा पकड़ रखा है, जब वही तुम्हारी सारी संपत्ति है तो तुम उसे त्यागोगे कैसे? सुना है ना, अक्सर कहता हूं, तुमने 2 रुपए का सड़ा हुआ नोट भी अगर मुट्ठी में भींच रखा है तो तुम उसे कैसे त्यागोगे अगर तुम्हें यह मान्यता है कि 2 रुपए का नोट ही मेरी पूरी संपत्ति है? कैसे छोड़ोगे? 2 रुपए का सड़ा हुआ नोट है, पर क्या छोड़ सकते हो अगर तुम्हें ये लगे कि तुम्हारे पास इस 2 रुपए के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं? छोड़ पाओगे? अरे ये मेरी पूरी जायदाद है, कैसे छोड़ दूं? तुम कुछ नहीं त्याग सकते। त्यागने के लिए ऐश्वर्य का भाव होना चाहिए, त्यागने के लिए छलछलाता जाम होना चाहिए। इतना है और कितना मांगे? त्यागने के लिए विभुता होनी चाहिए। कभी त्याग हो नहीं सकता, कोई त्याग से शुरुआत कर नहीं सकता, त्याग का तुम्हें विचार ही नहीं आएगा। जो आदमी अपने संबंधों को या दौलत को या किसी और पदार्थ को सीने से लगा कर बैठा हो, उसको ये विचार भी आएगा कि इसको छोड़ दूं? भूखे आदमी के सामने 1 रोटी रखी है, उसको ये विचार भी उठेगा कि इसको छोड़ दूं? विचार भी उठेगा क्या? असंभव बात है। त्याग, त्याग की बात करते ही क्यों हो? त्याग की बात मत करो। तुम कहोगे लेकिन शास्त्रों में और परंपरा में हमेशा से त्याग की ही तो बात की गई है, लगातार त्याग त्याग त्याग, छोड़ो, रिनंसिएशन। वो त्याग की बात नहीं है, वो ये संदेश है कि तुम्हारे पास इससे कहीं ज्यादा कुछ है जिसे तुम पकड़े बैठे हो। जो तुमसे कह रहा है ना कि छोड़ दो, उसके होने से तुम्हें पता चल रहा है कि छोड़ा जा सकता है, क्योंकि इसने नहीं पकड़ रखा। बात उसके शब्द की नहीं थी, बात उसके होने की थी। जब उसने कहा कि छोड़ दो, उसकी वाणी में, उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जिससे तुम्हें भरोसा आया कि हाँ, क्या फायदा पकड़ने से, देखो ना ये भी तो छोड़े बैठा है और कितना प्रसन्नचित्त है। अब उसकी हस्ती तो तुम्हें कहीं दिखाई दे नहीं रही जिसने ये सब बोला था, तुम्हारे पास बस कोरा शब्द बचा है, और वो कोरा शब्द कहता है त्याग दो। कैसे त्याग दोगे? त्यागने के लिए जिसे तुम त्याग रहे हो उससे कहीं बड़ा कोई अवलंबन चाहिए, सहारा। जब तक वो सहारा नहीं मिला तब तक छोटे सहारे को कैसे त्यागोगे? त्यागने की बात नहीं करो, उस बड़े को पाने की बात करो। छोड़ना नहीं है, पाना है। अनेक मौकों पे कहा है ना कि छोड़ना छोड़े की बात ना किया करो, तुम्हें छोड़ने की प्रेरणा ही नहीं मिलेगी। छोड़ना कभी यूं ही नहीं घटित होता, छोड़ा जाता है, निश्चित रूप से छोड़ा जाता है, पर छोड़ना अपने आप में एकाकी घटना नहीं होती। छोड़ने के पीछे भावना होती है कि इतना मिल गया है, इतना विराट उपलब्ध है कि शूद्र को क्या पकड़े रहे। तब वो पकड़ना बेतुका लगता है, पागलपन लगता है, तुम यूं ही छोड़ देते हो, गया। जो अरबपति हो वो 10 रुपए के नोट के पीछे भागेगा क्या? 10 रुपए का नोट अगर मिल भी गया उसे
तो वो हर्ष मनाएगा, और 10 रुपए का नोट अगर खो भी गया उससे तो शोक मनाएगा, अरे हम अरबपति हैं। और वो यदि 10 रुपए का नोट किसी रेस्टोरेंट में छोड़ के आता है, वेटर को टिप दे दी, तो तुम कहोगे बड़ा त्यागी था। त्यागा है, त्यागा है क्या? इतना है कि छोटे को पकड़ने में हमारी कोई रुचि नहीं रही, चला गया, त्यागा नहीं है। त्यागने का अर्थ है कि अब हमें छोटे में रुचि नहीं रही, क्योंकि जो भी कुछ छोटा है, जो भी छोटा है वही आपको दुखी करता है। छोटे को त्यागने का अर्थ है दुख को छोड़ते चलना। पूर्ण आनंद मिल गया है, हम सुख दुख को पकड़ने में उत्सुक नहीं है। उपनिषद कहता है यो वै भूमा तत् सुखम, जो बड़ा है उसी में सुख है, क्षुद्रता ही दुख है, क्षुद्रता ही दुख है। त्याग का अर्थ है अपनी क्षुद्रताओं को छोड़ते चलना, क्योंकि विराट की उपलब्धि हो गई है। याद रखना, विराट की उपलब्धि पहले आती है, विराट की उपलब्धि पहले आती है। छोड़ने वाले गलती क्या करते हैं, विराट का कुछ पता नहीं, छोड़ने पे उतारू है। अब जिसको छोड़ते हो अभी, उसको छोड़ के 2 कदम आगे बढ़ते हो, फिर मुड़कर से फिर उठा लेते हो। कुल 10 ही रुपया है तुम्हारे पास, उसको तुमने छोड़ा, और बड़ी हिम्मत करके 2 कदम बढ़ते हो और फिर लपक के फिर उठा लेते हो, और फिर कहते हो देखिए बड़ी साधना की जरूरत है, मन बार बार फिसल फिसल जाता है, कई बार छोड़ते हैं पर फिर उठा लेते हैं। उठाओगे नहीं तो क्या करोगे तुम, और कर क्या सकते हो? कंगला आदमी और करेगा क्या, करेगा क्या? पाओ पाओ, सहज पाओ, फिर छोड़े ओढ़ने के ख्याल के बिना ही छोड़ना हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तुम्हें याद भी नहीं आएगा कि अरे छूट गया, कई दिनों बाद कहोगे अरे छूट गया, कोई और आके याद दिलाएगा छोड़ा है, तुम कहोगे हाँ छोड़ा है, वो कहेगा जरा भी ख्याल नहीं किया, बीवी ने दिया था, गाड़ी में छोड़ा है, वो कहेगा बीवी ने दिया था, मैं तो ये भी ख्याल नहीं है। छोड़ा है, कैसे पाए, यही प्रश्न बचा, कैसे पाए। जब भी कहोगे कैसे पाए, तो अपनी क्षमता पे यकीन करोगे, हम कुछ करेंगे तो पा लेंगे। मैं तुम जब भी पूछते हो कैसे पाए, तो तुम कहते हो ऐसा रास्ता बताओ जो हमारे लिए हो, और तुम्हारे लिए क्या रास्ता होगा? तुम अपने आप को माने बैठे हो कि हम लंगड़े हैं, तुम्हारे पास टांगे नहीं, और तुम कह रहे हो हमें अनंत तक जाना है, रास्ता बताइए। अब तुम्हें क्या रास्ता बताया जाए, और तुम्हें जो भी रास्ता बताया जाए तुम्हारे अनुकूल ही तो होना चाहिए। तुम्हें रास्ता बताया जाएगा रेंगो, अब तुम रेंगते रेंगते अनंत तक पहुंचोगे। पंख तुम्हारे पास है और टांगे तुम्हारे पास हैं, उड़ तुम अभी सकते हो, मान्यता तुम्हारी क्या है, हम लंगड़े हैं। तुम जब कहते हो कैसे जाएं, तो तुम अपनी मान्यता के अनुरूप ही तो कोई रास्ता मांगते हो ना, बात को समझो। तुम पूछो, अभी तुम्हें कोई बीमारी हो, तुम पूछो डॉक्टर से मैं कैसे ठीक हो जाऊं, डॉक्टर कहे बिल्कुल ठीक हो सकते हो, बस 70 मीटर ऊंची छलांग मारो। तुमने पूछा कैसे ठीक हो, उसने कहा 70 मीटर ऊंची छलांग मार के, तो तुम क्या कहोगे कि ये विधि बेकार है, क्यों? क्योंकि ये मेरे अनुरूप नहीं है ना, ये मेरी क्षमता के भीतर नहीं है। अब तुम्हारी क्षमता कितनी है इसका निर्धारण तो तुम पहले से ही करे बैठे हो, तुम्ही ने तय कर लिया है कि हम पंगु हैं। अब तुम्हें जो भी विधि बताई जाएगी वो तुम्हारी क्षमता के भीतर ही चाहिए, तुमको तुम्हें अपनी क्षमता के भीतर की विधि चाहिए ना, तुम्हारी क्षमता के भीतर की विधि तुम्हें कभी परमात्मा तक ले नहीं जा सकती, बात खत्म हो गई।
तो तुमने जब भी पूछा कैसे पाए तो बेवकूफी का ही सवाल पूछा ना, क्योंकि कैसे का जो भी उत्तर आएगा वो तुम्हारे लिए होगा और तुम्हारा इतना नहीं है फैलाओ कि तुम उस तक पहुंच सको। तो कैसे पाए, ये सवाल पूछना बंद करो, कैसे पाए, बड़ा अहंकार जनित सवाल है। वही पूछता है कैसे हम बचे रहे, उपाधि लें, मिल जाए सहज बस। हम बचे रहे वो पावि लें। सवाल करो अपने आप से कि मैंने कैसे मानना शुरू किया कि कोई कमी है। बस ये पूछो, जैसे ये माने बैठे हो ना कि कोई कमी है, वैसे ही एक बार को बस ये कल्पना ही करके देखो कि कोई कमी नहीं है, और उस कल्पना को ही, मात्र कल्पना है, कल्पनाओं में ही तो जीते हो ना, जो कल्पना में जी रहा है उसे तो एक नई कल्पना ही देनी पड़ेगी। जैसे अभी कल्पना करे बैठे हो कि नहीं है, पाना है, वैसे ही एक बार को ये भी कल्पना करके देखो कि है, और इस कल्पना को आधार बनाकर सवाल पूछो, मैंने ये कैसे मानना शुरू किया कि कमी है। किसने मुझे सिखाया कि मानो की कमी है, किसने मुझे सिखाया कि पाना है, अर्जित करना है। और याद रखना, इस मुद्दे पर जो रोशनी पड़ रही है वो तुम्हारी रोशनी नहीं है, वो ठीक उसी की रोशनी जैसे तुम पाना चाहते हो। तुम खोज उसे रहे हो, पर जिस टॉर्च को लेकर के उसको खोज रहे हो उसमें बैटरी उसी की है। तुम जिस रोशनी को खोज रहे हो उसी रोशनी का उपयोग करके खोज रहे हो, तो खोजने की जरूरत है। नहीं समझी, तुम सोलर लैंटर्न लेकर के सूरज को खोजने निकले हो, हाथ में है तुम्हारे, हाथ में है, वो ना होता तो ये सोलर लैंटर्न कहां से आती। नहीं समझ रहे हो बात को, तुम्हारे भीतर सत्य को जानने की प्रेरणा ही कहां से उठती यदि सत्य ना होता, वो प्रेरणा और कहां से आ रही है। अभी गुड़गांव में एक यूनिवर्सिटी है, वहां पे गया था, वहां पे खड़ा हो गया और कह रहा है सर देर इज नो फ्रीडम। तो मैंने कहा फिर ये सवाल कौन पूछ रहा है, उसको समझ में नहीं आया, वो बड़ी देर तक उलझा रहा, उसे समझ में नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ। बट सर देर कैन बी नो फ्रीडम, मैं उसे बार फिर सवाल कौन पूछ रहा है, कहां से आ रहा है ये सवाल। जिस सत्य को खोजने निकलते हो, जिसको कहते हो पाना है पाना है पाना है, उसको पाने की प्रेरणा देने वाला कौन है, वो सत्य स्वयं ही तो है ना। इसीलिए तो भारत ने गुरु को परमात्मा बोला, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। जिस गोविंद को पाने निकले हो वो गोविंद ही तो ये प्रेरणा देता है कि मुझे पाओ। परम को पाने की प्रेरणा परम के अलावा कोई और दे सकता है। तुम दुकान में जाते हो, दुकान में चीजें रखी रहती हैं, वो तुम्हें प्रेरणा देती हैं ना। क्या प्रेरणा देती हैं, हमें पाओ। बीवी भी प्रेरणा देती है, किसे पाओ, मुझे पाओ। पति भी प्रेरणा देता है, क्या प्रेरणा देता है, मुझे पाओ। तो अगर कोई परमात्मा दे रहा है, अगर कोई ये प्रेरणा दे रहा है कि परमात्मा को पाओ, तो परमात्मा के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। वो बैठा ही तो हुआ है तुम्हारे भीतर, वो ना होता तो कहां से प्रेरणा उठती। इसीलिए पाना
है ही नहीं, ये प्रश्न बिल्कुल ना करो कैसे पाएं, मिला हुआ है। वो ना मिला होता तो तुम यहां मौजूद कैसे होते? कौन तुम्हें यहां लेकर के आया? उसके अलावा कौन है जो तुम्हें यहां ला सकता है? तो क्यों पूछते हो कि कैसे पाएं? जेब में रख के घूम रहे हो, पूछ रहे हो कैसे पाएं? या तो बड़े खिलाड़ी हो या बड़े बेवकूफ। आ रही बात समझ में? तो पहली बात, त्यागने की बात व्यर्थ है, पाना। दूसरी बात, कैसे पाना, यह प्रश्न व्यर्थ है। हद से हद ये सवाल कर सकते हो कि मैंने खोने का भाव कब सीखा, और ये प्रश्न भी तुम उसी की प्रेरणा से करोगे जिसे पाना निकले हो। जब उसकी प्रेरणा मौजूद ही है तो पाना किसे है? वो तो है ही उपलब्ध ना, उपलब्ध ही है। बस मस्त रहो, जियो, खुश रहो, दुखी भी रहो तो भी खुश रहो। उसी को तो आनंद कहते हैं, जो दुख में भी मस्त रखता है उसी का नाम आनंद है।